तो नमस्कार, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं संजू सैमसन और ऋषभ पंत के लिए। अभी भी इंडिया और न्यूजीलैंड का जो सीरीज चल रहा है, न्यूजीलैंड में कल वनडे सीरीज भारत हार गया है, बारिश भी हुआ है थोड़ा, इस कारण हार गया है भारत। कोई दिक्कत नहीं है, भारत है, हारते रहता है, अच्छी बात है, जीतता भी है कभी कभी, कभी कभी हारता है, और ज़्यादातर बड़े बड़े सीरीज भारत हार ही जाता है, उसमें कोई सुनने वाली बात नहीं। इसका रीज़न जानते हो क्यों है? हैं, इसका रीज़न ये है, जो लोग साधते हैं ना, समझ रहे हो ना, हैं, जो लोग तेल लगाते हैं भारत में, उसकी जगह बहुत आगे है टीम में। और टीम में हमारी ये समझ में नहीं आता है कौन टीम में भर्ती करता है, कौन सिलेक्टर मतलब कौन क्या क्या करते हैं, क्या है इन लोग, हैं, हमें समझ में नहीं आता कौन क्या है क्या नहीं है भारत टीम में, कौन कौन सिलेक्ट करता है, कौन नहीं सिलेक्ट करता है, और किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं सिलेक्ट करना है, पता नहीं कौन करता है, ये सब किसी को मालूम भी नहीं है। वो सब एकदम कचरा, एकदम दर्द भरे हुए हैं। संजू सैमसन इतना अच्छा खिलाड़ी है बाबू, इतना अच्छा खिलाड़ी, इतना अच्छा प्लेयर है, चाहे हर एक मैच में उसका वनडे में करीब 66 का एवरेज चल रहा है, और T20 भी बहुत बढ़िया खेलता है। तुम लोगों ने जैसा कि IPL वगैरह में देखा ही है, T20 में भी मौका ही नहीं देते हैं, खाली इंटरनेशनल में तो हम क्या बताएं उसमें क्या कैसे खेलेगा, एक दो मैच खिलाएंगे फिर बाहर बैठा देंगे। और उसी जगह उसको ऋषभ पंत को देखो कैसे खिलाया करते हैं, ऋषभ पंत को बराबर ही लोग रखेंगे, मगर ऋषभ पंत के लिए ये लोग कुछ नहीं सुनते हैं, हैं, उसको जरूर रखेंगे भले वो खेले या ना खेले। बाबू इतना गंदा खिलाड़ी है ना ऋषभ पंत, कुछ कहना ही नहीं है, हैं, उसको आज करीब 5-6 साल से टीम में भर्ती करके रखे हैं, कभी भी उसने अच्छा नहीं खेला है, खाली टेस्ट में वो अच्छा कभी कभी खेलता है, तो टेस्ट के चक्कर में उसको T20 में भी ढोएंगे, वनडे में भी ढोएंगे, T20 में उसने ओपनिंग भी करवा लिया, ओपनिंग भी करा के देखा, तीसरे चौथे नंबर भी डाल के देखा, पाँचवें छठे में भी डाल के देखा, सब कुछ करा लिया, मगर उसको ना रखेंगे जरूर टीम में। पता नहीं किस लिए रखे हैं, बोलते हैं कि अभी 25 साल का भाई चुतिया, वो 25 साल का हो चाहे 30 साल का, उसे क्या लेना देना, उसको निकाल कर फेंको ना यार, है टीम इंडिया है यार, इंडिया क्रिकेट टीम है, भारत की टीम है, क्या है तुम लोग इसको जिम्बाब्वे बना दोगे क्या, है कि जिम्बाब्वे भी सही यार, मतलब इतनी ख़राब स्थिति हो जाएगी भारत टीम की अगर ऐसे ही चलते रहा, अगर कोई इसमें देखेगा नहीं सुनेगा नहीं तो बहुत ख़राब। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना बाबू। हाँ, और बात करते हैं हम संजू सैमसन के बारे में। संजू सैमसन को मौका नहीं दिया जाता है क्योंकि क्या है, वो खिलाड़ी इतना अच्छा है, इतना प्यारा खिलाड़ी है बाबू, अगर उसको इतना मौका दिए जाते ना ऋषभ पंत कितना, तो खिलाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता और शायद भारत के एक दो मैच भी जितवा के ख़त्म कर देता, मगर ये लोग मानते नहीं हैं यार, है ना। तो इसीलिए अगर जब भाई मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा इसको ध्यान दो और समझदार दो, ठीक।